हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, 100 में से 50 to 60% लोगों का जो नेक एरिया होता है काफ़ी ब्लैक हो जाता है। इसके पीछे दो तीन वजह है फ्रेंड्स। जैसे कि सबसे पहले रीज़न तो होती है कि हो सकता है कि आपके नेक एरिया पे बहुत ही ज़्यादा डेड स्किन सेल्स जमा हुआ है, मतलब कि आप उसे एक्सफोलिएट नहीं करते हो। आप अपने फेस को तो DIY से एक्सफोलिएट कर लेते हो और सब लोग कर लेते हैं, लेकिन आप अपने नेक एरिया को अवॉइड कर देते हो। इस वजह से क्या होता है कि आपका नेक एरिया धीरे धीरे काला होने लगता है। अब दूसरी बात, जो दूसरी बात है फ्रेंड्स, आपका नेक एरिया हो सके सन टैन की वजह से ब्लैक हो चुकी होगी। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप बाहर जाओ तो अपने जिस जिस एरिया डायरेक्ट सन के कॉन्टैक्ट में आती है उस एरिया पर सनस्क्रीन अप्लाई कर लो। तो अगर आपका नेक एरिया दिख रहा है तो आप वहाँ पर भी सनस्क्रीन अप्लाई कर लो। और जो तीसरा रीज़न है फ्रेंड्स, वो होता है जेनेटिक्स। मतलब आप देखोगे कि किसी के मम्मी पापा दादा दादी के जो नेक एरिया है वो ब्लैक है, तो उसका भी नेक एरिया ब्लैक ही होता है। और फोर इम्पॉर्टेंट, ओबेसिटी, मोटापा की वजह से भी फ्रेंड्स हमारे जो नेक एरिया है वो ब्लैक होने लगती है। तो देखो, हम तो जेनेटिक्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी तीन चीज़ है उसको तो ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपका जेनेटिक्स भी है तो आप इस DIY को ट्राई करोगे तो वो कम होगी। मतलब कि आप ऐसा सोच करके उसे छोड़ दोगे कि मेरा जेनेटिक्स है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स उसे आप करो। मैं जो आज DIY बताऊंगी, जिसमें दो स्टेप होंगे, पहला होगा स्टिमिंग और एक होगा आपका स्क्रबिंग कम फैट। मतलब कि जो पैक होगा फ्रेंड्स, उसमें मैं स्क्रब के भी कुछ इंग्रेडिएंट ऐड कर दूंगी, जिससे कि आपका टाइम बचेगा और एक ही बार में आपके दोनों काम हो जाएंगे। और जो स्टीमिंग है फ्रेंड्स, वो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको कह रही थी कि आपको अगर अच्छा नेक चाहिए, मतलब कि आपके फेस के स्किन का कलर ही आपका नेक का होना चाहिए, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको इन बातों का ध्यान देना होगा कि आपको अपने नेक एरिया को सन से बचाना होगा। आपको अपने नेक एरिया को करना होगा एक्सफोलिएट हर एक वीक। जैसे आप अपने फेस को एक्सफोलिएट करते हो, उसी तरीके से आपको अपने नेक एरिया को भी स्क्रबिंग करना होगा। मैंने बहुत सारे स्क्रबिंग फेस के लिए बताए हैं। जस्ट वही स्क्रब अगर आप नेक एरिया के लिए भी यूज करते हो तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। और जो थर्ड है फ्रेंड्स, कि जो डेड स्किन सेल्स जम जाती है, तो स्क्रबिंग से नॉर्मली है कि डेड स्किन सेल्स भी खत्म हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने डार्क से डार्क नेक को सिर्फ और सिर्फ एक दो दिन में लाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वाला है जो होम इंग्रेडिएंट है, तो थोड़ा सा वर्क करने में टाइम लेगा। तो एक से दो बार, मतलब आप करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो 10 से 15 दिन तो ईजी लग जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत है, मतलब हल्का फल्का आपके नेक एरिया पे डेड स्किन सेल्स, उसकी वजह से आपकी नेक एरिया ब्लैक दिख रही है, तो उस कंडीशन में एक से दो यूज में आपका नेक एरिया बहुत ज़्यादा लाइटन हो जाएगा। तब सीधे मूव ऑन करते हैं वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, इस पैक को अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके का टी शर्ट नहीं पहनना है। आप कोई ऐसा टी शर्ट ले लीजिए जो कि पूरा आपके नेक एरिया को दिख रहा है। जिस तरीके से मेरा है बहुत कम दिख रहा है, तो आप थोड़ा बड़ा नेक वाला टी शर्ट पहन सकते हो। और फ्रेंड्स एक बात आप और ध्यान देना कि आप ये वाला प्रोसीजर कर रहे हो तो आप इसे नहाने से पहले करो, क्योंकि आप यहाँ पर करोगे तो थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। तो अगर नहाने के 15 से 20 मिनट पहले कर लेते हो तो बहुत इजीली आपका काम भी हो जाएगा और आप इजीली बात भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, स्क्रब कम पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ वीट फ्लोर, और जितनी क्वांटिटी में मैंने वीट फ्लोर लिया है उतनी ही मैं लूँगी राइस फ्लोर। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ कोकोनट और ग्रेट किया हुआ पपाया ले रही हूँ, और इसमें 1 स्पून के अप्रॉक्स पोटैटो जूस ऐड करूँगी। और बस इन सारों को आप अच्छी तरीके से मिक्स करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। इस पैक को अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आप नॉर्मल वाटर को बॉयल कर लीजिए और अपने नेक एरिया को अच्छे से स्टीम दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो नेक एरिया के पोर्स हैं जो क्लोज हो चुके हैं वो ओपन हो जाएंगे, और अगर आपके नेक एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है वो भी बहुत ही ईजली निकल जाएगी। जब आप पूरे नेक पर अच्छे तरीके से स्टीम ले लेते हो तो आप इस पैक को अपने नेक एरिया पर अप्लाई कर लेना। फ्रेंड्स, इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट है। जैसे कि मैंने इसमें ऐड किया हुआ है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर
स्किन स्क्रबिंग के लिए बहुत ही अच्छा सा इंग्रेडिएंट है। राइस फ्लोर कोरियन स्किन केयर रूटीन का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। प्लस इसमें जो वेट फ्लोर है वो भी स्किन लाइटनिंग के लिए, कोकोनट स्किन लाइटनिंग के लिए, और जो पपाया है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, जब आप इसे पूरे नेकेरिया पे अप्लाई कर लेते हो तो आप क्या करना कि अपने दोनों हाथों से या फिर आप एक ही हाथ यूज करके पूरे इस पैक को स्क्रब कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके स्किन में जो भी डेड सेल्स हैं जिसके वजह से आपकी नेक बहुत ज़्यादा ब्लैक लगती है, तो डेड सेल्स निकल जाएगी। प्लस आपने इस पैक को अप्लाई करने से पहले स्टीम लिया हुआ है तो वो वाला डेड सेल्स बहुत ईजिली निकल जाएगा और आपके स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। बिकॉज आप अपने स्किन को अभी स्क्रबिंग कर रहे हो तो इससे आपके स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। आप देख पाओगे कि एक ही यूज़ में आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी ग्लोई हो गई है। तो आपको ये वाला प्रोसीजर 5 से 10 मिनट करना है और इसे आपको स्क्रबिंग करके 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आप नॉर्मली वाटर से वॉश कर लेना। देन आप देख पाओगे फ्रेंड्स कि आपका जो नेक एरिया है बहुत ज़्यादा क्लीन, बहुत ज़्यादा लाइटन और ब्राइटन लग रहा है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो इस पैक को अप्लाई करने से पहले का पिक और बाद का पिक दोनों आप क्लिक कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही एक अच्छा सा विजुअल रिजल्ट देख पाओगे और आपकी स्किन काफ़ी ग्लोई और सॉफ्ट भी दिख रही होगी। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जो वीडियो है उसे लाइक करिएगा। और जिन जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा नेक एरिया की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरे पर्सनैलिटी बहुत ख़राब हो गई है इस नेक की वजह से, तो उन दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।